तो दिल्ली राज जैसा है। लूटेरा टूला। बाबू साहब क्या छपा इस पे? ये ब्याह ना हो सकता। लुटेरा दूल्हा है ये। अब कोई भी व्यक्ति फूली से शादी ना करेगा। ऐसा ऐसा करता है, हम फूली को अपने घर ले आते हैं। नहीं मां बता के, उसका तो घर भी पास में है, आने जाने की कोई परेशानी भी ना होगी, और वो हमें प्यार भी तो खूब करे है, तो वो थारे को मारे से दूर भी ना भेजेगी और बाबू साहब का प्यार भी हो जाएगा, सब खुश। तू ना नया बखेड़ा मत खड़ा कर, बाबू साहब सुन लेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। पर भाई साहब तो मैं ये, अब तू आंखें बंद कर, मुंह बंद कर और सो जा, मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ। ठीक है भाई साहब। गांव का हर एक व्यस्क, वो मर्द हो या जनानी, सबका नाम टीकाकरण की लिस्ट में लिखवा दे। हाँ, मर्द हो या औरत, सबको ये टीका लगना बहुत जरूरी है। ठीक बात? बोल ये बात है, इतने सुबह सुबह क्यों आई है? अच्छा तो मुझे ये बताओ माँ कि तू अपनी नई मासा कैसे लाई थी, बता दे फिर सो जाना। मतलब मन ने पता चल गया कि थारी नई मासा बुरी ना है, मन ने भी नई मासा चाहिए, पर नई मासा लाए कैसे समझ ना रहा। भाई साहब बोल रहे थे कि नई मासा लाना बहुत मुश्किल है, तू बता देना कि नई मासा कैसे लाई थी तू अपने घर। मैं? हाँ। मैं और बापू साहब चावल नैया लेके मासा के घर गए थे। पहले घर वाले आए, फिर मासा आई, फिर मैंने उनको चावल नैया दे दिया और उनने रिश्ता पक्का कर दिया। मतलब जिससे अपनी मासा को बनाना होता है उससे चावल नारियल देना होता है और वो राशि हो जाती है। हाँ। मैं समझ गई, तो सो जा, मैं चली। बापू साहब क्या बात हो गई, बोल। बापू साहब वो मैं ये वो। शिवराज खुल के बोल बेटा, ये कहना चाहता है वो फूली। बापू साहब मैं जानू, कल रात फूली के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और तुम दोनों ने फूली की बड़ी चिंता हुए, बड़े मामला बड़ों का है और सारे बड़े मिलकर इसको सुलझावेंगे। ठीक बात, चल आता हूँ। बापू साहब रसल कह रही थी कि पुली को हम लोग अपनी नई मासा क्यों न मना लेते। तुम दोनों अपने बाप की शादी की बात कर रहे हो? बापू साहब हम नई मासा लाने की बात कर रहे हैं। फूली भी हमें खूब प्यार करती है और हम भी उसे खूब प्यार करते हैं। आप हमारे लिए शादी करके नई मासा लाओगे और फूली का भी कहीं और ब्याह होगा ना, तो क्यों ना हम लोग। शिवराज शादी ब्याह रिश्ता ये सब बड़ों की बातें होंगे, और आज के बाद थारे मुंह से यार साढ़ के मुंह से ऐसी बात दोबारा कभी ना निकले। आई बात समझ? जी बापू साहब। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, जन्म से गुंगी तो थी ही, ऊपर से ये छोड़ी हुई दुल्हन का मथे पर कलंक लगाकर बैठ गई। आसपास के गांव से फूली के लिए ना आएगा रिश्ता। मैं लाई हूँ ना फूली का रिश्ता।
के बक रही है तू? और ये थाल किसके लिए है? फूली के लिए। बापू साहब का रिश्ता लाई हो फूली के वास्ते। अब फूली को बुलाओ ना, ये नारियल चावल देख के फूली का रिश्ता पक्का करना है। फूली कहाँ है? फूली, फूली। ए, रुक उधर। अच्छा वो आप आ गए। देखो देखो क्या बक रही है ये छोरी। ये सरपंची एक नंबर की ढीढ है ही। पूरे गांव में हमारी जगहसाई हो रही है और छोरी के हाथों रिश्ता भेज दिया। हमारी कोई इज्जत है कि ना? बापू साहब ने ना भेजा, मैं खुद आई हूँ फूली को नई माँ मनाने के लिए। ये चावल नारियल पकड़ो और बोल दो शादी के लिए। हाँ काकू साहब, ये लो आप और हाँ बोल दो। बोलो ना हाँ। तुम्हें पता भी है तू क्या बोल रही है? पर मन्ने पता है इसे किस तरह चुप करवाना है। ए, तू ऐसा नहीं मानेगी ना? नहीं मानेगी ना तू? अब तू देख।